साले हस भूत तेरे साथ होगा ना, तब देखता हूँ भूत कहाँ जाती है तेरी हंसी। सॉरी 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 भूतनी। मैं सच बोल रहा हूँ यार, और मैं उस रास्ते पर पहली बार गया था। रात के लगभग 12:15 बजे थी। साहब और कितनी दूर है आपका घर? बस थोड़ी दूर और। साहब पिछले 1 घंटे से मैं यही सुन रहा है, बस थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और। और इतनी रात हो चुकी है, मेरे को घर भी वापस जाना है, और मेरे रिक्शे में बैटरी भी कम है। अगर बंद हो गया तो मैं घर वापस कैसे जाएगा? तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। और वो उस मोड़ पर जो बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है, मुझे वहीं उतार दो। ठीक है साहब। वो साहब आ गया आपका बोर्ड। कितना हुआ साहब? 150 रुपये। थैंक यू साहब। यार ये लड़की इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है? भैया टर्मिनस जाना है। बैठिए मैडम, छोड़ देता हूँ। मैडम आपको डर नहीं लगता ऐसे सुनसान रास्ते पर? वैसे मैडम इतनी रात को आप यहाँ कर क्या रही थी? भैया आज मेरी शूटिंग थी और नाइट शूट होने के कारण आज मैं इतना लेट हो गई। आप फिल्म में काम करती हैं? हाँ। मुझे भी फिल्मों का बहुत शौक है। वैसे कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही थी? एक हॉरर स्टोरी है। हॉरर मतलब भूतिया स्टोरी? हाँ। तो मैडम कौन सा रोल कर रही है स्टोरी में? एक विच का। विच मतलब भूतनी? आप एक भूतनी का रोल कर रही हैं? हाँ। आप इतनी सुंदर हैं और भूतनी का रोल कर रही हैं? क्या करें भैया, इस मुंबई शहर में सरवाइव करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बात तो एकदम सही कही मैडम जी। और वैसे भी डायरेक्टर का कहना तो सभी को मानना पड़ता है। ये डायरेक्टर लोग भी ना साला बहुत। क्या इनका भी नाइट सूट था? भैया उसे क्यों नहीं बैठाया? मैडम अपने देखा नहीं उसके पैर उठे थे? तो क्या हुआ, शायद आपने मुझे नहीं देखा, मेरे तो पैर ही नहीं है। Yeah!
और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, और जब मेरी आँख खुली तब मैं यहाँ अपने बेड पर था और ये पट्टियाँ भी बंधी थी। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब वो भूतनी तेरे को यहाँ तक लाई और पट्टी भी बांधी? शायद हाँ। चल बे, लगता है सर में चोट लगने की वजह से तेरा दिमाग भी हिल गया। मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा चल, तू आराम कर, मैं कॉलेज से आकर मिलता हूँ। सपना नहीं देख रहा, ये सच है।